लड़का अगर लाखों की भीड़ में अपनी दुल्हन को ढूंढना हो तो ढूंढ लेता है, पर जब उसी के हाथ पे अपना नाम ढूंढना हो उसके आंखों पे चश्मा लग जाता है। और ढूंढ ले पुत्र ढूंढ ले, ये तो सारी जिंदगी बीवी के ताने सुनने पड़ेंगे। हाँ दादी, ऐसा लगता है ना जान के नाम छुपा के लिखा ताकि मैं ढूंढ ही ना पाऊं। पर बेटा जी ये तो रसम है, निभानी तो पड़ेगी। हाँ बेटा ढूंढना तो तुझको पड़ेगा, और अगर तू नहीं ढूंढ पाया ना तो फिर हम अपनी बेटी तुझे नहीं देंगे। ओए, ये तो फिक्र वाली बात हो गई। ओ पुत्र ढूंढ ले, हमें तो ये लड़की चाहिए चाहिए। पूरब जल्दी से ढूंढ ले वरना लोग समझेंगे कि तू बुलबुल से प्यार नहीं करता। अभी अभी इधर आना यार, मेरी हेल्प करना थोड़ी। नो पूरब, तुम्हारा नाम लिखा है तो तुम ही ढूंढो। क्यों, वो क्यों नहीं ढूंढ सकता? क्यों, तुम क्यों नहीं ढूंढ सकते? एक्सक्यूज मी, प्लीज जगह बनाओ। बताओ क्या हेल्प चाहिए? इसने अपने हाथ पे कहीं मेरा नाम लिखा है, मुझे मिल ही नहीं रहा। ओके मैंने कहा ना पूरब, जीजू नहीं ढूंढेंगे। देखा डर गई, पता है ना जीजू 2 सेकंड में ढूंढ लेंगे, इसलिए मना कर रही है। नहीं नहीं अभी तू नहीं ढूंढ सकता, जिसका नाम लिखा है उसे ढूंढना होगा। ठीक है ना, मैं ढूंढ नहीं सकता तो हेल्प तो कर सकता हूँ, मतलब क्लूज तो दे सकता हूँ ना। ठीक है जीजू, आप हेल्प कर दीजिए, लेकिन आई एम श्योर आप अपने दोस्त को जिता नहीं पाओगे। चैलेंज दे रही हो? चैलेंज दे रही हूँ, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ओके देन, हाथ तो दिखाओ। देखा, अब मेरा भाई आ गया, 1 मिनट के अंदर मेरा नाम ढूंढ के। पूरब ये डिजाइन तो बहुत ही कंफ्यूजिंग और खतरनाक है, वैसे ये डिजाइन देखे तुझे कुछ याद आ रहा है? ये डिजाइन बिल्कुल बुलबुल के फेस जैसा लग रहा है ना, जब बुलबुल ऐसे फेस बनाते जीजू। नॉट फनी यार। नो नो, चुटकुला था, नॉट फनी। अरे ये रहा, मिल गया तो सही, लेकिन यार यहाँ पर ये जो लेटर है ये तेरे नाम से शुरू तो नहीं होता है। पूरी बाबा इतना बड़ा धोखा, प्यार तुझसे, शादी तुझसे और नाम किसी और का। नहीं मैंने किसी और का नाम नहीं लिखा है जीजू। अरे झूठ मत बोलो, साफ साफ दिख रहा है पर किसी ये दिख। नहीं कहाँ लिखा है, दिखाइए। तुम मुझे दिखाओ, नाम तो तुमने लिखा है ना। मैं क्यों? सो स्मार्ट जीजू, बातों बातों में मुझसे जानना चाहते हो कि मैंने पूरब का नाम कहाँ लिखा है। सॉरी लेकिन आपका आइडिया ना फ्लॉप हो गया, सॉरी पूरब। बीजी बीजी, अगर पूरब अपना नाम बुलबुल की मेहंदी में नहीं ढूंढ पाया तो क्या होगा? तू इस बात की भी टेंशन ले रही? अरे मजाक कर रहा है, ढूंढ लेगा। कहीं मैं बेवजह निखिल पर शक तो नहीं कर, लेकिन वो शूज अगर निखिल के नहीं थे तो किसके थे? ए, फुगी! फुगी! इग्नोर करके चली गई। मिल गया नाम। मैंने आप लोगों को कहा था ना मैं बुलबुल से प्यार करता, और अब तो ये दिलवाला दुल्हनिया लेके ही जाएगा। ठीक है अब मुझे जाने दे यार। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे काम है यार। क्या क्या काम है? अब सबक सिखाना है। किसको? मैं अपनी वाली को सिखाता हूँ, तो अपनी वाली को सिखा। जीजू बुलबुल तुम कहाँ जाए? अरे मेरी बात तो सुनो, वो जूते अगर निखिल के नहीं हैं तो किसके हैं, और वो उस रूम में कैसे पहुंचे? चिल्ला क्यों रहे, आराम से नहीं बोल सकते? अरे जब आराम से बोलता हूँ तुम्हें सुनाई नहीं देता ना। क्या मतलब? अब मतलब जब मैं तुम्हें नीचे आवाज लगा रहा था तब तुमने मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। शायद सुना नहीं होगा मैंने। तो कान में मशीन लगवा लो। मशीन आप लगवा लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको आवाज देती हूँ ना आपको सुनाई नहीं देता। क्योंकि जब तुम मुझे आवाज देती हो तब मेरे कान में मशीन ही होता है, मतलब ईयरफोन्स होते हैं, तो कैसे सुनाई देगा? म्यूजिक ही सुनते रहिए आप, मेरी बात मत सुनिए। हाँ म्यूजिक से मुझे शांति मिली। और मेरी बातों से? तुम्हारी बातों से इंसान बोर होता है क्योंकि कानों के लिए वो शोर होता है। इतनी बुरी लगती हूँ तो बुलाते क्यों है मुझे? मन करता है।
काम होता है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें बुलाता हूँ या तो तुम किचन में होते हो या फिर दादी के कमरे में। और आजकल तो तुमने हद कर दी है, 24 घंटे तनु के पीछे रहती हो तुम। वो जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखना है मुझे। और पति की जिम्मेदारियों का क्या? पता है मुझे कि तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, लेकिन जब तक हम दोनों साथ में तब तक थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो मेरी। बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल मेरी बात तो सुन लो प्लीज। बोलो ना क्या हुआ है? देखो जब हाथों पे मेहंदी लगी होती है ना तो चेहरे पे तक उसे नहीं रखते। बताओ क्या हुआ? बोलो ना, बुलबुल कम से कम आज के दिन तो इतना गुस्सा मत हो। अच्छा मेरे हाथों पे लिखा हुआ अपना नाम क्यों ढूंढा? अरे तुमने मुझे खुद कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ पे अपना नाम ढूंढूंगा। अरे मैंने कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वाकई में ढूंढोगे। तो इसका मतलब तुम इस बात से नाराज हो क्योंकि तुम हार गई, राइट? बिल्कुल, तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम्हारे हाथ पे मैं अपना नाम ढूंढू और तुम गुस्सा भी हो रही थी। और तुम्हारी दादी और मम्मी भी तो कह रही थी कि अगर मैं नाम नहीं ढूंढ पाया तो इसका मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम ही बताओ ना मैं क्या करता? मैं क्या करता? कुछ भी कर लेते पूरब, लेकिन मुझे हराते नहीं। इतनी तो रिस्पेक्ट करती, अब क्या पाऊं दबाऊं? हाँ पाओ दबा दो। देखो पति की सेवा करना ना पत्नी का धर्म होता है। इतना काम किया मैंने तुम्हारी बहन के लिए, कुछ तो दया दिखाओ। थैंक यू नहीं बोल सकती तो कम से कम एटीट्यूड तो मत दिखाओ। पैर नहीं दबाने है ना तो मत दबाओ, कोई पेन किलर ला कर दे दो, उसे खाकर मैं अपना सारा दर्द दूर कर दूंगा। ओके कि गुस्से में भी कितनी मासूमियत है। कभी कभी मन करता है कि झगड़ा ही करती रहूं। काश कि हम तो यूं हुआ हो गई पूरी अधूरी। आज क्यों रुक गए? दबाओ। आउच, आउ, ई, आ, आ, अरे लगी तो नहीं आपको मैंने। कहना चाहती हो कि मैं कुछ भी कर लेता, जान के हार जाता और तुम्हें हर बार जीतने देता? पूरा मेरी जीजू को चैलेंज किया था, अब जीजू हर बार मेरी टांग खींचते रहेंगे, मुझे चिढ़ाते रहेंगे। अच्छा मेरी हारी हुई महारानी, आगे से मैं कोई भी गेम नहीं जीतूंगा, जीत भी रहूंगा तो जानबूझ के हार जाऊंगा ताकि कोई तुम्हें ना चढ़ाए। ओके पक्का? प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस? मजाक कर रही हूं। आई एम वेरी मजाक कर रही थी। थैंक यू फॉर यू सो स्वीट। तुम्हारे पाँव में बस मोच आई होगी, तुम बेडरूम में चलो, रिलैक्स करो, ये भी ओके। कब बोल तुम हॉल में जाओ, मैं इसको रूम में लेके जाओ।
अभी तनु तुम मैं हमें भी नीचे जाना चाहिए। क्यों? भूख लगी है, नीचे खाना खा लेते। ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। मुझे निखिल की नजदीकियों से इतना डर नहीं लग रहा जितना इन दोनों की नजदीकियों से लग रहा है। प्रज्ञा को इस घर से भेजने से पहले मुझे मुझे अभी से अलग करना होगा। अब इजाजत दीजिए, हम लोग निकलते हैं। वैसे फंक्शन में कोई कमी तो नहीं रहेगी ना? अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, उल्टा आपने इतना अच्छा इंतजाम किया है जैसे इसी घर की बेटी की मेहंदी है। हमारे लिए तो जैसी आलिया है वैसी हमारी बुलबुल। बेटा जी ने वैसे भी सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है, हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं छोड़ा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में करूं। बस यही कह के आंटी जी आपने एक सेकंड में बेटे से पराया बना दिया मुझे। अरे नहीं नहीं बेटा जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप तो मेरे बेटे ही हो। जैसे मेरे लिए प्रज्ञा और बुलबुल है बिल्कुल वैसे ही आप ही मेरे लिए हो। तो फिर अपनी बची खुची टेंशन भी इसे ही दे दो और अगले फंक्शन के लिए अपने रिश्तेदारों को फोन पे ही न्योता दे दो। बाकी सब काम मेरा अभी संभाल लेगा। और हाँ, अगली बार फंक्शन में आप खाली हाथ मत आइएगा। मेरा मतलब है कब सिर्फ साथ लेके आइएगा, दोनों साथ बैठ के पिएंगे। दोनों नहीं तीनों। अरे रॉकस्टार दादी के कॉफ सिरप के दीवाने तो हम भी है। वो अब मुझे ना आपसे इजाजत लेनी थी, अगर आप बुरा नहीं माने तो। क्या है ना, मैं चाहती थी कि प्रज्ञा को थोड़े दिन के लिए अपने घर ले जाऊं। माँ बनने वाली है तो घर जाएगी तो थोड़ी बातें कर लेंगे और थोड़ा उसका ध्यान, मतलब थोड़ा हमें भी मौका दीजिए अपनी बेटी के ध्यान रखने का। बुरा तो नहीं लगा? सच कहूं तो बुरा तो मुझे लगा है। प्रज्ञा को अपने साथ ले जाके आप हमें ये जताना चाहते हैं कि आपको हम पर भरोसा नहीं है, हम इसका ख्याल ही नहीं रख सकते। नहीं नहीं जी, मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं था। वो तो क्या है ना कि माँ हूं ना, और अब मेरी बेटी माँ बनने वाली है तो उसके साथ थोड़ा समय गुजारना था। और उसके आपको बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेती हूँ। अरे अरे, ऐसा क्यों सोच रही है? बुलबुल की शादी के बाद मैं इसे भेज दूंगी आपके घर, तब तक के लिए मुझे इसका ख्याल रखते दो ना। ठीक है, अच्छा जी हम लोग निकलते हैं। अभी तक सो रही है, कैसे उठाओ इसे? हाँ डरा के उठाता हूं। सोते वक्त तो और भी क्यूट लगती है, अब ऐसे क्यूट लोगों को किसी क्यूट तरीके से उठाना चाहिए। नहीं रही है, आप कैसे उठाओ? हाँ स्पेशल तरीके से उठाता हूं। ये रोज सुबह मेरे लिए कॉफी लाती है ना, आज मैं इसके लिए चाय बना के लाता हूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। हग दीजिए मुझे। हग? हग कम ऑन। बिना उठे हग? किसकी? किस?
बेबी को किस चाहिए? अभी दे तो किस कम बीबी किसी टाइम किसी टाइम। आप यहाँ क्या कर रहे? अरे तुम मुझसे किस मांग रही थी ना, तो तुम्हें किस दे रहा था? आओ किस किस मेरे मेरे को किस नहीं मांगा मुझे, किस मैंने किस नहीं मांगा? अरे तो तुमने बोला तुम्हें किस चाहिए तो किस मिलेगा? नहीं नहीं मैंने सब 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 सपना देखा होगा सपने में। क्या सपनों में तो मेरा नाचा इस फायदा उठाता है? नहीं सपने में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, तो कुछ भी सोचोगी? नहीं 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 ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं सपने में बस ये देख रही थी कि आप चाय बना रहे थे मेरे लिए। मतलब सपने में तुम मुझसे काम करवा रही हो? मतलब पति मजदूरी, पति शोषण, पति एक्सप्लॉयटेशन, व्हाट अबाउट माय रेपुटेशन? आज सुबह सुबह झगड़ने के मूड में आप? सपना भी कोई सोच के देखता है क्या? अरे मेरी दादी कहा करती है कि इंसान सोने से पहले जो सोचता है ना सपने में भी वही दिखता है, समझी? अब मुझे पता चल गया तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। आपको जो सोचना है सोचिए, पहले हटिए यहाँ से। इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा इसके उसके ये हिस्से में तेरे मेरे ये किस्से में चाय के सीखे बिन सीखे बिन दे सीखा कैसा ये इश्क है। ये क्या? 1 करोड़ का चेक है, इसे लो और मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ। तुमसे दूर जाने के पैसे दे रही हो तुम मुझे? कीमत लगा तू मेरे प्यार की? हाँ? How could you do this? तनु, how the hell could you? तुमने मेरी नहीं, मेरे प्यार की इंसल्ट किया था ना? You insult! देखो तुम थोड़ा धीरे बात करो, क्योंकि तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन यहाँ पे बहुत लोग मुझे जानते हैं। तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे पैसे नहीं। अपना ये ड्रामा ना मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। पहले तो प्यार का दावा करते, दिखावा करते और बाद में ब्लैकमेल करते, पैसों की बात आती बाद में, और जब पैसों की बात बाद में आनी है तो अभी क्यों नहीं? अभी इसे लो और दफा हो जाओ मेरी लाइफ से, और अगर ये कम लगे ना तो मुझसे और मांग लेना, मैं दे दूंगी, लेकिन बाद में। फिलहाल ये लो और जाओ यहां से। तो तुम मेरे प्यार को खरीदना चाहती हो? मैं अपनी आजादी चाहती। हाँ तुम्हें तुम्हारी आजादी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे मेरे प्यार की दुहाई लेकर नहीं आऊंगा। बहुत कोशिश कर ली मैंने तनु, बहुत, तुम्हें अपने प्यार को समझाने के लिए, लेकिन तुमने ये घटिया हरकत की। अब तनु देखना मैं क्या करता हूं। क्या कर रहे हो? तुम्हें चेक क्यों फाड़ दिया? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें तुम्हारी आजादी जरूर मिल जाएगी। सिर्फ एक शर्त, तुम्हें मुझे प्रूफ करना होगा कि अभी तुम्हें मेरे जितना नहीं तो कम से कम मुझसे कम प्यार नहीं करता। Just prove it to me. मैं ये कैसे प्रूफ कर सकती? तुम्हें नहीं, अभी को करना होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है?